आपका थर्ड चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा, मोशन। ठीक है, मोशन चैप्टर में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कौन कौन से मोशन होते हैं, उसके टाइप क्या क्या हैं, वो सब आपने देखा। सेकंड चैप्टर जो था वो था कॉज ऑफ मोशन, उसमें आपने पढ़ा कि मोशन जब किसी बॉडी में होता है तो उसके कॉज क्या होते हैं। तो उसका कॉज आपने पढ़ा कि जब किसी बॉडी पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाती है या मोशन से रेस्ट में आ जाती है। तो जो कॉज ऑफ मोशन थे वो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। अब इसके बाद थर्ड जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसकी नीड क्यों हुई सबसे पहले तो वो समझते हैं हम। जब हमने फोर्स की बात की थी तो फोर्स में हमने ये देखा था कि अगर कोई किसी बॉडी पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम करे, ठीक है, कैसा फोर्स, एक्सटर्नल होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब किसी बॉडी पर काम करता है तो वो बॉडी में चेंज ला सकता है, उस बॉडी पर कुछ इफेक्ट ला सकता है। वो इफेक्ट कौन कौन से थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसे मोशन में ला सकता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट पर ला सकता है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स, है ना। तो इसी बात को इसी पर बेस्ड हमने कुछ ऑब्जर्वेशन मोशन के बारे में सोचना स्टार्ट किए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे हाथ में एक चौक है, इस चौक को, ये अभी चौक कैसी है, रेस्ट पर। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ दूंगा नीचे की तरफ, ऐसे मैंने यहाँ पर अपना हाथ हटाया तो ये कहाँ पर जाकर गिरेगी, अर्थ पर गिरेगी। क्या मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं, मैंने तो फोर्स नहीं लगाया। और ये अभी कैसी है, रेस्ट पर, और रेस्ट से ये कैसी हो जाएगी, मोशन में। अगर ये मोशन में आ रही है, रेस्ट से मोशन में आ रही है, इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने तो पिछले चैप्टर में यही पढ़ा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो मोशन में नहीं आ सकती। अगर वो मोशन में आ रही है इस बात का मतलब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। तो अगर मैं इस चौक को यहाँ पर पकड़ता हूँ, रेस्ट पर है, अगर मैं अपना हाथ हटा लेता हूं तो ये तो मोशन में आ जाएगी, इसका मतलब इस पर क्या लगा, एक एक्सटर्नल फोर्स। ये वाली बात आती है समझ में। दूसरी बात और आप सोचो कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना, ऐसे घूमते रहते हैं। तो सन के चारों तरफ ये कैसे घूमते रहते हैं, ये मोशन में आया है, अगर ये मोशन में है, ये अभी कैसे हैं, मोशन में है। ठीक है, अब जब ये मोशन में है तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो ये अभी अभी ऐसा जा रहा है, ये वाला प्लेनेट को सोचना कि ये पहले ऐसा जा रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये ऐसा जा रहा है, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा। बताइए क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। तो सन के चारों तरफ जो प्लेनेट घूमते रहते हैं उनकी क्या चेंज होती रहती है, डायरेक्शन। और लेकिन हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी बॉडी की डायरेक्शन तब चेंज होगी जब उस पर क्या लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स, अदरवाइज वो जिस डायरेक्शन में है ड्यू टू इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन वो उसी डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं और वो हर बार अपनी क्या चेंज करते जा रहे हैं, डायरेक्शन। इसका मतलब इन प्लैनेट पर क्या लग रहा है, एक फोर्स, कोई ना कोई एक फोर्स काम कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो कि वो अब वो कैसे हो रहा है, जब मून घूम रहा है ऐसे तो ये भी तो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब मून पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो ये जब आप एग्जांपल देख रहे हो कि कोई बॉडी को यहाँ से छोड़ते हैं तो वो बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है ना, यानी कि उस पर अर्थ एक फोर्स लगाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अर्थ की बात नहीं की मैंने, यहाँ पर मैंने किसकी बात की, प्लैनेट की और सन की, यहाँ अर्थ की बात तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर अर्थ और मून की बात हुई तो यहाँ पर भी एक फोर्स काम कर रहा है। तो फिर न्यूटन ने ये सोचा, न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि इन सारे एग्जाम्पल से सिर्फ एक बात समझ में आती है कि यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, सिर्फ सन पर ही नहीं, यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एक फोर्स काम करता है। और वो कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है
जैसे न्यूटन का आपको एक स्टोरी हमेशा से सुना होगा कि वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ से एक एप्पल गिरा, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, अब ये ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ रिपल्सन का फोर्स लगाती होती तो ऐसा भी कर सकती थी, वो एप्पल ऊपर चला जाता, उसने रिपेल कर दिया अर्थ ने उसको। लेकिन हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़ा जाता है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्लेनेट की डायरेक्शन चेंज करा रहा है, मून की डायरेक्शन चेंज करा रहा है, या वो फोर्स जो उसे अपनी तरफ खींच कर लेता है, इसको रेस्ट से मोशन में लेकर आ जाता है, वो फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स। कैसा फोर्स है? अगर अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होता तो ये रेस्ट पर है, मैंने इसको छोड़ा तो ये इधर ही नहीं जाता, इधर मोशन नहीं करता, इधर भी कर सकता था, यानी अर्थ उसे रिपेल कर रही होती लेकिन रिपेल तो नहीं करती। इसका मतलब ये फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फिनोमिना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसका नाम क्या होता है? ग्रेविटेशन, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो आप एक पत्थर ले लो, एक स्टोन ले लो, उस स्टोन पर हमने धागा बांधा, एक स्ट्रिंग को बांधा, टाइट कर लिया और उसको घुमाना शुरू किया इस तरह से, ठीक है। आप ये सोचो कि जब आप उसको घुमाते हो तो अगर आप ऐसे घुमाते हो तो लगातार आपको उस घुमाना पड़ेगा तब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, या थोड़ा घुमाओगे और वो फिर अपने आप घूमता रहेगा? तो आंसर है हमें लगातार घुमाना पड़ेगा। अगर मैं उस पर लगातार फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वो लगातार नहीं घूमेगा, कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा। ये वाली बात क्लियर है? तो इसका मतलब मैं उस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ और उसको कंटिन्यूसली उस सर्कुलर पाथ में मोशन करा रहा हूँ। वो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस पर, जिससे कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना, वो फोर्स होगा सेंट्रिपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होगा उसका नाम क्या होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, ये वाली बात आ रही है समझ में? तो ये सन भी इन पर एक फोर्स लगाता होगा इसी तरह से, जैसे ये सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है जब ये पत्थर घूम रहा है, तो ये भी इस पर एक फोर्स लगाता होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना। अर्थ भी मून पर क्या लगाती होगी? सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसके अपने चारों तरफ ऐसे घुमाती रहती होगी, है ना। तो यहाँ पर सभी जगह पर क्या काम कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स। अब आप ये सोचो कि जब मैं उस पत्थर को ऐसे घुमा रहा था, घुमाते घुमाते अगर वो मेरे हाथ से छूट जाए, अगर वो पत्थर को मैंने घुमाया और घुमाते घुमाते वो धागा मेरे हाथ से छूट गया तो क्या होगा? तो आंसर है कि जब वो ऐसे चल रहा था और वो छूट गया तो वो ऐसे जाकर गिर गया, ऐसे जाकर गिर गया। क्यों गिर गया? अब वो ऐसा क्यों नहीं घूम रहा? तो आंसर है यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा था जो उसे कैसा घुमा रहा था? सर्कुलर पाथ में घुमा रहा था। अब वो जब मेरे हाथ से छूट गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फोर्स अब काम करना बंद कर दिया। कौन सा वाला फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसका मतलब ये कि अब जब वो मेरे हाथ से छूट जाता है तो वो अब ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमा, ये जाकर ऐसा गिर गया। तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूमा, तो इसका मतलब यहां पर जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा था तो एक पर्टिकुलर फोर्स था जो उसे सर्कुलर पाथ में घुमा सकता था, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, जब ये फोर्स लगना बंद हो जाता है तो ऑब्जेक्ट जाकर नीचे की तरफ गिर जाता है। अब यहां पर एक फोर्स और काम कर रहा है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन का फोर्स। यहां पर उसे जब ये यहां से छूटा तो ये अपने पाथ में हमेशा सीधा ही क्यों नहीं रहा, इसने अपनी डायरेक्शन को क्यों चेंज कर लिया? तो आंसर है कि अर्थ ने इस पर क्या किया? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन का फोर्स। ये वाली बात आ रही है समझ में? तो ग्रेविटेशन का जो हमारा फिनोमिना है वो क्या कहता है? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात हो रही है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और जो नोट करने वाली बात है वो वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात ये कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो ऑलवेज कैसा होता है? ध्यान रखना, कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है, ये कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। क्लियर है ये वाली बात? या ये जो आपने जो स्टोन वाला एग्जांपल देखा, स्टोन वाले एग्जांपल में आपने क्या कहा कि वो फोर्स जो फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, वो कंटिन्यूसली लगाना पड़ता है। तो अगर कंटिन्यूसली नहीं लगाओगे तो क्या होता है? तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जाकर गिर जाएगा, है ना। तो इसी तरह से
मून अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो अर्थ उस पर कंटिन्यूसली कौन सा फोर्स लगाती रहती है? सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर वो नहीं लगाएगी तो क्या होगा? तो आंसर है, ये जो मून है जो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है अभी, वो उस ऑर्बिट से दूर हट जाएगा और गिर जाएगा कहीं ना कहीं जाकर। आ रही है बात समझ में? तो इसको लगातार अपनी ऑर्बिट में घुमाता रहता है। कौन घुमाता रहता है? अर्थ। उस पर लगातार एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगाती रहती है। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब देखो, आपने कहा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या मैं यहां पर जो चेयर रखी है इस चेयर पर एक फोर्स लगा रहा हूं? सोचो, क्या मैं इस चेयर पर एक फोर्स लगा रहा हूं? तो आंसर है हां। यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट हो, एनी टू ऑब्जेक्ट, क्या बोला गया? एनी टू ऑब्जेक्ट कहीं पर भी यूनिवर्स में हो तो उन पर वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो क्या मैं इस चेयर पर फोर्स लगा रहा हूं? तो आंसर है हाँ। क्या ये चेयर मेरे पे फोर्स लगा रही है? आंसर है हाँ। आंसर है हाँ, ये भी मेरे पे फोर्स लगा रही है, मैं भी इस पर फोर्स लगा रहा हूं। तो कैसे? अगर ये मेरे पर, अगर आपने कहा कि चलो मैंने माना कि सर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, ये चेयर आप पर फोर्स नहीं लगा रही, आपने कहा नहीं लगा रही, ठीक है, तो अगर ये मेरे पर फोर्स नहीं लगा रही और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, कैसे? नेचर का, अट्रैक्शन के नेचर का, तो ये मेरी तरफ खिंचकर आ जानी चाहिए थी। क्या ये आ रही है? नहीं आ रही है, ये तो अपनी जगह पर है। फिर से, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट, ये यहां पर मैंने रखा, क्या ये ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है? तो आंसर है हाँ, लगा रहा है। क्या मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं आंसर है हाँ, मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं। अब ये बात ऐसे समझ नहीं आई, ठीक है, जैसे ही मैं कहता हूं क्या ये ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर फोर्स लगाता है, तो आप कहते हो नहीं लगा रहा है, कहां दिख रहा है वो, फोर्स नहीं है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं? तो आंसर है हाँ, मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं तो वो कैसे नेचर का लगा रहा हूं? अट्रैक्शन के नेचर का। तो अगर मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये मेरी तरफ आना चाहिए, आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कुछ ना कुछ रीजन होगा उसका, ये तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहा। क्या मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं? तो आंसर है हाँ, लगा रहा हूं। हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि यूनिवर्स में दो चीजों के बीच में हमेशा क्या लगता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो क्या मैं इस बोर्ड पर एक फोर्स लगा रहा हूं? तो आंसर है हाँ। क्या ये बोर्ड मेरे पर एक फोर्स लगा रहा है? अगर ये बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ मैं फोर्स लगा रहा होता तो ये बोर्ड आकर मेरे चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो गया मेरी तरफ। अब ये ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ये तो इधर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं और ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। और कैसा फोर्स लगा रहा है? इक्वल। कैसा लगा रहा है? इक्वल फोर्स लगा रहा है। मैं इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं, एट द सेम टाइम ये भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स कैसे हो गए? एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, है ना, और इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट बताइए कैसा आएगा? जीरो। 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगा, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन कितना आंसर? जीरो। तो वो अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूं, लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। फिर से, क्या मैं सन पर फोर्स लगाता हूं? तो आंसर है हाँ, ऑलवेज। यूनिवर्स में एनी टू ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कहीं पर यूनिवर्स में। अब सन एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिवर्स में कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं यूनिवर्स में भी एक ऑब्जेक्ट हूं, तो क्या मैं सन पर फोर्स लगाता हूं? तो आंसर है हाँ, ये डेफिनेशन कह रही है हाँ लगाते हो। क्या सन मेरे पर एक फोर्स लगाता है? तो आंसर है हाँ लगाता है। अगर वो नहीं लगाता होता, इस बात का प्रूफ क्या है कि वो भी लगा रहा है? इस बात का प्रूफ ये है कि अगर सन मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होता और मैं सन पर फोर्स लगा रहा होता, तो फोर्स सन मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाना चाहिए था, लेकिन आ रहा है क्या वो? नहीं। क्या मैं सन की तरफ अट्रैक्ट होकर केवल जा रहा हूं क्या? नहीं। तो क्यों नहीं जा रहा? तो आंसर है सन मेरे ऊपर जितना फोर्स लगाता है, अपनी तरफ खींचता है, उतने ही फोर्स से मैं सन को अपनी तरफ खींचता हूं एट द सेम टाइम। तो नेट फोर्स कितना हो जाता है? तो क्या कोई चेंज आएगा? क्या कोई इफेक्ट दिखाई देगा? तो आंसर है नहीं दिखाई देगा। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया और अपना एक यूनिवर्सल लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, क्या होना जरूरी है? मास। ये वाली बात ध्यान रखना कि जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे तो मास की बात करोगे। तो न्यूटन ने कहा कि अगर यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं,
ये एक कोई बॉडी है ए और ये कोई एक बॉडी है बी। इस बॉडी का मास है एम वन, इस बॉडी का मास है एम टू और ये दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर रखी हुई हैं? आर आर डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। तो क्योंकि ये यूनिवर्स में हम दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास मास है तो ये एक दूसरे पर क्या लगाते होंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जब लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे? ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ खींचता होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, एट द सेम टाइम ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर एक फोर्स लगाएगा ऐसा। ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में ऐसा। ठीक है, ये वाली बात आई समझ में? ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, ये कहलाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल होगा चाहे उनके मास कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, ये वाली बात आ रही समझ में? ये वाला मास अलग है, ये वाला मास अलग है। ये बहुत छोटा हो सकता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि छोटा मास हो बड़ा मास हो हमेशा फोर्स इक्वल लगेगा। ठीक है, वो हम करके देखेंगे। तो न्यूटन ने कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके मास m1 और m2 हैं और जो कि r डिस्टेंस पर हैं तो वो एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। वो जो फोर्स होता है, वो जो फोर्स होगा जो ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, ठीक है, कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर वन ऑब्जर्वेशन उनका ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली दिखाना है इसलिए इसको अपॉन में लिखूंगा, आर का स्क्वायर। तो ये दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए। ठीक है, कि अगर यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, उनके मास के प्रोडक्ट पर, ना कि उनके इंडिविजुअल मास पर नहीं, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। और उनकी जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है ना, फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा? कम। ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या होगा बताओ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस कम हो गई तो अगर डिस्टेंस कम हो गई तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गई तो ये कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाली बात आई समझ में? अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था और ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था, इनको हमने आपस में मिला दिया। तो हमने कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम वन इंटू एम टू के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। तो वो दोनों जो दोनों इक्वेशन थी वो हमने ऐसे एक साथ लिख दी। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिखनी होती है। वो ग्रेविटेशनल वो जो कांस्टेंट बनाया उसका नाम उन्होंने रखा न्यूटन ने क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पर जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहां पर रखा गया है, और साथ में क्या चल रहा है? एम वन एम टू अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये अगर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, है ना। तो न्यूटन ने बाय एक्सपेरिमेंट इसको निकाल कर दिखाया, और कैपिटल जी की जो वैल्यू उन्होंने निकाली
वो बच्चों निकल कर आती है 6.67 इंटू 10^-11, इतना, ठीक है, इतना न्यूटन ये निकल कर आ जाएगा। तो न्यूटन में क्यों कह रहा हूँ मैं, इसकी जो मैंने यूनिट जो मुझे लिखनी चाहिए वो क्या लिखनी चाहिए, देखो यूनिट निकालो कैपिटल जी की। कैपिटल जी की यूनिट आप कैसे निकालोगे, पहले तो आप कैपिटल जी का फॉर्मूला बना लो। कैपिटल जी का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, जी इधर ही रखो, आर स्क्वायर इधर लेकर आ जाओ, तो एफ इंटू में क्या आर स्क्वायर, और एम वन और एम टू कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है, यहाँ पर एम वन एंड एम टू, ये हमारे पास कैपिटल जी का फॉर्मूला बना। अब इसकी यूनिट लिखो आप, तो इसकी यूनिट बताओ क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और वहां पर स्क्वायर चल रहा है तो क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर, और अपॉन में इस मास की यूनिट क्या लिखोगे, केजी, और इस वाले मास की यूनिट क्या लिखोगे, केजी, और केजी इंटू केजी मिलकर क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए कि कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन, और क्या लिखूँ आगे, मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या, केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है, इस तरह से आप इसको निकालते हो। ओके, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई निकल कर। अच्छा, ये आपका हो गया यूनिवर्सल लॉ। फिर से यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, न्यूटन का लॉ यूनिवर्सल लॉ क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है, यूनिवर्स में कहीं पर भी ये वाला लॉ एप्लीकेबल होता है। इसमें से ये जो दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि इसमें से एक अर्थ हो और एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो अर्थ पर लाई कर रहा हो, ये यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर से क्या कहता है ये लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखोगे, यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, या उन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो स्टेटमेंट लिखे आपने, फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो यहाँ पर न्यूटन ने एक कांस्टेंट दिया जिसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ से आया है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब बात आती है कि मैंने आपसे पूछा कि एक इतनी छोटी सी एक चींटी है, छोटी सी बिल्कुल, है ना, और एक इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, या हम इसको इस तरह से लेते हैं, ये एक कोई पर्सन है, ये कोई एक मैन है, और यहाँ पर ये मून या सन ले लो आप, सन है, सन, अब सन का मास तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा होता है, है ना, सन का मास तो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अ मैन, है ना। तो अब मैंने आपसे ये पूछा, क्या ये मैन इस सन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, तो आंसर हाँ लगा रहा होगा, यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, एनी एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो यूनिवर्स में चाहे कहीं पर भी हो, है ना, उस पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, तो ये मैन इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, तो आंसर है हाँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एक फोर्स से। एट द सेम टाइम सन इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, तो आंसर हाँ, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्या ये इनके इंडिविजुअल का क्या कोई मास छोटा हो कोई मास बड़ा हो, क्या उससे कोई इफेक्ट आता है इस पर, तो आंसर नहीं आता, वो मैं आपको कैसे करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये मैन जो है इसका वेट ले लो आप 50 kg, कितना ले लिया आपने एग्जाम्पल के लिए 50 kg, सन का मास सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख दिया 1000 kg, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी हमने केवल समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो 2 meter,
केवल समझने के लिए, या 1 मीटर कुछ भी ले लो, ठीक है, अभी चलो 1 मीटर ले लेते हैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, अब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो कितना लग रहा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं बताओ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो चलो मैंने यहाँ पर लिखा जी एम वन, एम वन की वैल्यू बताओ कितनी है, 50। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू मास कितना है, 1000, यहाँ लिख लिया 1000, और अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए 1 मान लिया तो 1 का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा, एफ इक्वल्स टू जी, और ये 50 × 1000 कितना आएगा बोलो, 50000, है ना, 50000 आ गया, 50000 × g की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे आंसर आ जाएगा। तो इतना 1000 g, इतना न्यूटन फोर्स आया, ठीक है। ये फोर्स कौन सा वाला निकाला, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैलकुलेट किया, मैन का सन पर फोर्स, किसका फोर्स निकाला मैंने, मैन से सन का फोर्स निकाला। तो ऐसे निकालोगे, जी एम वन कौन है, मैन, और एम टू कौन है, सन, और अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स निकल कर आया कि मैन सन पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। अब उल्टा निकालो, अब सन मैन पर कितना लगा रहा होगा वो निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ, तो आप ऐसे तो निकालोगे, एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, जी, अब एम वन कौन होगा बोलो, सन, सन एम वन होगा, तो सन की वैल्यू लिखो मास कितना, 1000, इंटू मैन का, मैन अब हमारा एम टू बन गया, वो क्योंकि उसका फोर्स निकालना है, तो वो हमारा एम वन और ये एम टू, तो अब इसकी वैल्यू लिखो कितना आएगा बोलो, 50, और अपॉन में डिस्टेंस तो उतनी है, 1 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आंसर कितना आएगा बोलो, 50000 g, इतना न्यूटन। दोनों का फोर्स आपस में कैसा आया, इक्वल, इक्वल आना ही है। क्यों, क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में किसका साइन है, प्रोडक्ट का। तो आप 1000 इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर सेम आएगा, और डिस्टेंस तो ऑफकोर्स सेम ही रहेगी, जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हो तो एट द सेम टाइम ही तो निकालोगे। तो इधर से इधर 1 मीटर है, तो ऑफकोर्स इधर से इधर भी कितना रहा होगा, 1 मीटर। तो अब जब आप 50 × 1000 लिखो या 1000 × 50 लिखो, हमेशा आंसर कैसा आएगा, सेम, ठीक है। तो एक बार फिर से कोई दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं अब, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, चलो एक मैंने बॉल ली, बॉल, ठीक है, और मैंने एक ट्रेन ले ली, ये ट्रेन, मैं पूछता हूं क्या ये बॉल इस ट्रेन पर एक फोर्स लगा रही होगी, तो आंसर है हाँ, ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, मास, ठीक है। मैंने माना कि इस बॉल का मास है 1 kg, या 2 kg लेता हूं, चलो 2 kg की बॉल है, ठीक है, और इस ट्रेन का मास तो इसके कंपैरिजन बहुत बड़ा होगा, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया कितना, 500 kg। अब इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो क्या ये ज्यादा फोर्स से इसको खींचेगा और ये कम फोर्स से इसको खींचेगा, तो आंसर है नो। क्यों नहीं खींचेगा वो हम निकाल कर देख लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली 1 मीटर एग्जांपल के लिए सर, ठीक। अब निकालो फोर्स, लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम वन, एम वन इंटू एम टू, और अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। तो आंसर बताओ कितना आएगा, 1000 g, इतना न्यूटन। जी की मैं अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है उसको, ठीक है। तो 500 × 2, ये कौन सा फोर्स निकला बताओ, बॉल से ट्रेन पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो निकल कर आया, ठीक। अब हम निकालेंगे किसका, ट्रेन से बॉल पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल रहा है, तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा, एम वन, और अब हमारा ये क्या बन जाएगा, एम टू, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ठीक है, निकालिए, एफ इक्वल्स टू जी, M1 की वैल्यू कितनी लोगे अब हमारे पास, 500, और M2 की वैल्यू कितनी लेकर चलोगे, 2 kg, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1, आंसर बताइए कितना आएगा, 1000 g। तो इसका मतलब इतने बड़े मास वाली ट्रेन इस बॉल पर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना ये बॉल उस ट्रेन पर फोर्स लगा रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दोनों साइड से कैसा होता है, इक्वल, बट इन
अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये इसको ऐसा खींच रहा है और ये इसको ऐसा खींच रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स है ना, तो ये दोनों फोर्स थाउजेंड थाउजेंड ऐसे लगे, ठीक। अब नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, क्योंकि अगर ये अपनी अपनी जगह, अगर ये नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो क्या होता, या तो ट्रेन बॉल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती या बॉल ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। अब क्योंकि इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इसलिए अपनी जगह पर हर चीज बनी हुई है, ठीक। ये कैमरा मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है क्या, तो आंसर है हाँ। और ये मैं, ये अगर मैं, ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जा रहा हूं, ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा हूं मैं इसकी तरफ, बताओ। क्योंकि ये मेरे ऊपर जितना फोर्स अट्रैक्शन का लगा रहा है, एट द सेम टाइम उतना ही फोर्स मैं भी इस पर अट्रैक्शन का लगा रहा हूं, तो नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, जीरो। तो ये अपनी जगह पर है और मैं अपनी जगह पर हूं, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, अट्रैक्शन का फोर्स। क्लियर ये बात। ग्रेविटेशन में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, एफ किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी एम वन एम टू और अपॉन में क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कहा कि अगर कोई दो बॉडी हो, एक बॉडी का मास है m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2, और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में जो कैपिटल जी है, वो कैपिटल जी इक्वल होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, ये ठीक है। और ये जो कैपिटल जी है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी, इसका अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एफ के पास कौन आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। और एम वन और एम टू कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, तो ये एम वन एम टू आ गए, ये हमारे पास कैपिटल जी का फॉर्मूला बन जाता है। यहीं से हमने वो यूनिट बनाई है, फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और ये दोनों मास हैं, मास की यूनिट के जी होती है, तो के जी का स्क्वायर, ये हमने पढ़ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ओके। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप डेफिनेशन बताइए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है ना, तो उसकी डेफिनेशन आप क्या बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दो ऑब्जेक्ट लेने होंगे जिनके मास कितने कितने के जी हों, वन वन के जी, कितना हो, 1-1 के जी, दोनों मास कितने कितने के जी के हैं, 1-1 के जी के, और वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पर, है ना। तो अगर आप ऐसा ले लेते हो तो ये 1, ये 1 और ये 1, तो क्या बचेगा, जी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के, जी हमारा उस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो, यहाँ से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन बना सकते हो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के, जो कि एक्ट कर रहा होता है किन, किस बॉडी के बीच में, जिनका मास कितना है, 1 केजी ईच, कितना है, 1 केजी, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो फिर से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, जो कि एक्ट कर रहा होता है 1 केजी मास वाली बॉडी के बीच में, जिनकी डिस्टेंस कितनी है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली kept at unit distance from each other, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ईच ऑफ मास
कितने केजी की, 1 केजी की, एंड कैप्ट एट यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 मीटर डिस्टेंस पर रखी जाएंगी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो ग्रेविटेशन, ये जो आपने कांस्टेंट टर्म बनाया है, इसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हो, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप आंसर दोगे कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये जो दो बॉडी आप लेते हो, इन दोनों बॉडी के ना तो मास पर डिपेंड करता है, ना उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना उन बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है, ना उन बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है। तो दो बॉडी जो रखी गई हैं यूनिवर्स में कहीं पर भी, उनकी उनके ना मास पर, ना शेप पर, ना साइज पर, ना डिस्टेंस पर, किसी पर डिपेंड नहीं करता है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जगह पर, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पर। इसलिए हमने इसका नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह क्या रख दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हो कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ टू बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, नेचर, मीडियम, शेप, साइज, किसी भी चीज पर। दैट इज वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों एक बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाना। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ लिया और उसका फॉर्मूला आपने बनाया, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दो बॉडी की बात करनी है हमें, जिनके मास हैं एम वन और एम टू। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास कम हो और एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कितना होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखे हुए हैं, आप ऐसा मान लो, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हुए हैं, अर्थ सरफेस पर। तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट केस बना देता हूँ, when two object, when both the objects are light, when two objects, मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए each of 1 kg, ऐसा मान लो, when two object each of 1 kg and 1 meter apart, ठीक है, ऐसा केस ले लिया हमने। अब मान लो अर्थ सरफेस पर, जैसे हमारे इस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनमें से दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए, एक इसका मास है 1 kg, दूसरा एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, इनका इसका मास भी कितना है 1 kg, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 meter। अब ये जो दोनों मैंने मास लिए हैं, ये हैवी मास हैं या लाइट वेट है, लाइट, 1 kg का लिया है तो ये तो बहुत ही लाइट है, ठीक है। तो पहले मैं दो ऑब्जेक्ट ऐसे पास में रख रहा हूँ जिनका मास जो है बहुत कम है, ठीक है, 1 kg है। तो इसका फोर्स निकालिए कितना काम करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 to the power -11, ठीक है। फिर m1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, 1, और अपॉन में r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा बताओ, 6.67 इंटू 10 to the power -11, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इतना क्या न्यूटन, हमने क्या निकाला है, फोर्स, तो हमारा इतना न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो अब आप इस क्वांटिटी को देखकर बताओ कि ये फोर्स कम है या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, सोचो। तो आंसर बहुत कम है, क्यों, 10 की पावर कैसी है, माइनस का 11, माइनस 11 का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर 0. ऐसे लिखनाऊंगा, 0000 ऐसे लिखता जाऊंगा, पहले मुझे कितने जीरो लिखने पड़ेंगे, पहले मुझे 13 लिखने पड़ेंगे, फिर 667 वहाँ पर लिखा होगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे 13 में यहाँ पर ऐसे लिख लूँ और फिर इतना,
तो 0.00000013 जीरो लिखूंगा, फिर जाकर 667 लिखूंगा वहां पर। तो ये तो बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है, इतना बहुत छोटा फोर्स है, बहुत ज्यादा छोटा फोर्स है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा आंसर आया, इसीलिए दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे पूछा कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट क्या एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो आंसर है हाँ लगाते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं, अगर ये 1 kg का, ये 1 kg का है, तो कितना फोर्स लगाते हैं, तो आपने कहा 6.67 × 10⁻¹¹। तो ये फोर्स का आंसर बहुत छोटा आया। तो अब ये इतने फोर्स से ये इसको अपनी तरफ खींचता है और ये इसको अपनी तरफ खींचता है, तो फोर्स तो बहुत कम लग रहा है, तो क्या ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो आंसर है नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या कम है, मास, मास बहुत कम है। ये बात आ रही है समझ में, इसलिए मास कम है, और मास कम होने की वजह से कौन कम है, फोर्स। किसका आंसर कम आया है, फोर्स का आंसर। तो अगर बहुत कम फोर्स से किसी को खींचोगे तो वो हमारी तरफ नहीं आएगा। तो दो ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे रूम में सारी चीज़ें एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, तो आंसर हाँ लगा रही हैं, तो फिर वो एक दूसरे के पास क्यों नहीं जा रही हैं, तो आंसर है इनके मास बहुत कम है, और मास कम होने की वजह से इनके जो फोर्स के आंसर हैं, जो फोर्स का वैल्यू है, वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जा रहा है। ये बात आई समझ में, ठीक। ये आपका एक केस बना जब दोनों ऑब्जेक्ट कम मास वाले थे, है ना, लाइट वेट वाले थे। अब हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा जो हम ले रहे हैं केस, उसमें हम ये ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हम अर्थ ले लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट हम कोई भी एनी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पर या अर्थ सरफेस के पास रखा हुआ है, ठीक है। देखिए, अच्छा देखो, पहला केस हमने कौन सा देख लिया कि दो ऑब्जेक्ट दोनों के मास 1 kg हर सरफेस पर रखे हुए हैं, तो वो तो एक दूसरे पर बहुत कम फोर्स लगाते हैं, इसलिए एक दूसरे की तरफ नहीं जाते। अब हमने दूसरा केस लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कहां पर रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मास मैंने माना कितना है, 1 kg, और ये कौन बनाया है मैंने, अर्थ, और अर्थ का जो मास होता है ना, वो कितना होता है, 6 × 10⁻²⁴ kg, इतना ज्यादा मास होता है अर्थ का, ठीक है। तो ये अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर माना है वो बहुत कम मास वाला माना है उसके कंपैरिजन में। तो पहले जब हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, वो दोनों लाइट वेट वाले लिए थे। अब हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जिसमें एक हैवी ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट है, और एक लाइट वेट वाला ऑब्जेक्ट है। अब हम इन दोनों के फोर्स को देखेंगे, तो ये अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी, हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो निकालो इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी आती होगी, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, g m1 m2 upon r square। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻¹¹ इंटू एम वन की वैल्यू कितनी है, ये ले लो 6 × 10⁻²⁴ इंटू एम टू की वैल्यू कितनी, 1, और अपॉन में क्या बोलो, इनके बीच की डिस्टेंस। अब इस ऑब्जेक्ट से इसके बीच की डिस्टेंस क्या लेंगे हम, तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर से सेंटर लेंगे, है ना। तो ये मान के चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, तो हमारी जो अर्थ की रेडियस होगी वही इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ की बीच की डिस्टेंस लेकर चलेंगे। तो रेडियस जो होती है अर्थ की, वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, ओके। अब इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, 1000 से मल्टीप्लाई जब कराओगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 6400 और 3 0 और आ जाएंगे, है ना, 3 0 और आ जाएंगे, तो क्या बन गया, इतना मीटर, है ना।
और इसको आप चाहो तो एक जीरो से और मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर 6.4 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो इसको, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना 6 इतना मीटर। यहाँ पर अभी कितने जीरो हैं 5 है ना, अब एक जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और एक जीरो से नीचे, तो एक जीरो से ऊपर करा दोगे तो कितने हो जाएंगे 6 और एक जीरो जो नीचे था उसकी वजह से इसमें एक डिजिट बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो कि अर्थ से, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका क्या स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या करना है स्क्वायर। अब जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 9.8, कितना आंसर आएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर आया, यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचती है जो कि उसकी सरफेस पर रखा होता है। अगर वो 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उसे कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचती है 9.8 न्यूटन। अब 9.8 न्यूटन तो बड़ा फोर्स है, तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पर से अगर ड्रॉप कराया जाता है तो अर्थ उसे इतने फोर्स से क्या करती है अपनी तरफ खींच लेती है, इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जबकि आपने फर्स्ट केस में क्या पढ़ा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं यहां पर और दोनों कितने कितने केजी के हैं 1-1 kg के, तो उनके बीच का जो फोर्स निकल कर आ रहा था वो कितना आ रहा था, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ये था 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। ये तो बहुत छोटा फोर्स था, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे थे। जबकि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 केजी का हो और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस है जो कि जिसका मास कितना होता है 6 × 10⁻²⁴ kg, इतना ज्यादा मास होता है, तो अब इनके बीच का अगर हमने फोर्स निकाला तो वो कितना निकल कर आया बोलो 9.8 न्यूटन। तो ये तो बहुत छोटा फोर्स है जबकि ये फोर्स तो बड़ा फोर्स है, तो इसलिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है दिमाग में कि अगर 9.8 न्यूटन से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है तो ये ही क्यों मूव हो रहा है, ये भी तो इस पर इतना ही फोर्स लगाता होगा 9.8 न्यूटन का, तो अर्थ इसकी तरफ मूव क्यों नहीं हो जाती है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है। देखो ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है मैंने आपसे पूछा तो आप कहोगे इतना, फिर मैंने आपसे पूछा ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है तो आप कहोगे इतना, क्लियर है ये वाली बात। और क्योंकि बहुत कम फोर्स है इसलिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही, एक्सप्लेनेशन आपने दे दी। अब दूसरा केस, मैंने कहा ये इस पर अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रही है तो आपने कहा अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रही है तो आपने कहा 9.8 न्यूटन। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा है तो आप क्या कहोगे 9.8 न्यूटन। तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो अर्थ सरफेस की तरफ, अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये ऑब्जेक्ट तो अर्थ सरफेस की तरफ जाता है, लेकिन अर्थ इस ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं आती है जबकि ये भी तो उतने ही फोर्स से खींच रहा है, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने न्यूटन वाला क्वेश्चन देखा कि न्यूटन में उन्होंने देखा कि एक एप्पल गिरा तो एप्पल अर्थ सरफेस की तरफ गया तो अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, उन्होंने ग्रेविटेशन टर्म बना दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ खींचा तो एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा होगा, जबकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो ये कहता है कि अगर ये उस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी उस पर फोर्स लगाना चाहिए, इक्वल फोर्स होने चाहिए, ठीक। तो इसका क्या आंसर है, तो इसका आंसर हम न्यूटन के सेकंड लॉ से देते हैं। थर्ड लॉ वाला जो आंसर है वो हम किससे देते हैं, सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं आपको कि एप्पल को अर्थ खींच लेती है, अर्थ को एप्पल क्यों नहीं खींच पाता है उसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो बताइए एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता होगा, फोर्स अपॉन मास, ये मास कहां आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आया, फोर्स अपॉन मास। अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल फोर्स लगते हैं, एक बॉडी दूसरे पर दोनों पर इक्वल फोर्स लगाती है, इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये इस पर इतना फोर्स लगाएगा ये इस पर इतना फोर्स लगाएगा। तो एप्पल अर्थ पर, मान लो एप्पल 1 kg का है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो एप्पल
अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? 9.8 न्यूटन। अर्थ भी एप्पल को, एप्पल पर कितना फोर्स लगा रही होगी? 9.8 न्यूटन। तो एप्पल तो अर्थ की तरफ मूव करता है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं करती है? एप्पल, अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ खींच लिया, एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाया? तो आंसर है कि देखो दोनों फोर्स कैसा लगा रहे हैं, इक्वल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फोर्स कैसा है, इक्वल। तो यानी कि एक्सेलरेशन अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? मास के। ठीक है, अब देखना, पहले मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, पहले मैं ये कर रहा हूं कि एप्पल जब इस पर फोर्स लगाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा? 9.8 न्यूटन। ठीक है, एप्पल का मास कितना है? 1 kg। यहां पर लिख लो, तो एप्पल में कितना एक्सेलरेशन आएगा? हाँ, 9.8, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतने मास से वो मूव करेगा, इतने एक्सेलरेशन वो दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा, अब अर्थ वाला निकालो, F/m, मास F/m, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। अब फोर्स कितना लगा रहा है, कितना लग रहा है अर्थ पर? 9.8 न्यूटन। अर्थ का मास कितना है बताओ? 6 × 10^24 kg। ठीक, फिर से बताता हूं, देखो ये वाली चीज फिर से समझ लो, एप्पल पर कितना फोर्स लगा रही है अर्थ? 9.8 न्यूटन। जब वो फोर्स लगा रही है तो जिस ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगा रही है वो कितने केजी का है? तो जब फोर्स लगाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन आना चाहिए एप्पल में, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा केस सुनो, अर्थ पर भी एक फोर्स लग रहा है, कितना? 9.8 न्यूटन। कौन लगा रहा है? एप्पल। एप्पल इस पर इतना फोर्स लगा रहा है, और एप्पल जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहा है वो बॉडी कितने मास वाली है? इतने, तो उसमें भी एक एक्सेलरेशन आना चाहिए। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं, ये आएगा 1.63। कितना आएगा? 6 से जब इसको डिवाइड कराओगे ना 9.8 को, तो कितना आएगा? 1.63 इंटू, और ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 24, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.63 इंटू 10^-24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का मतलब ये हो गया कि अर्थ एप्पल को जब खींचेगी तो वो कितनी तेजी से एक्सेलरेट करेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, उतना ही फोर्स एप्पल उस पर लगाएगा, लेकिन वो कितना एक्सेलरेशन करेगी? तो आंसर है 1.63 इंटू 10^-24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10^-24 का मतलब समझते हो कितना हो गया? मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो यहां 26 हो गया, है ना? यानी जीरो के बाद में पॉइंट के बाद में 0000 लिखूंगा 26 टाइम, और फिर वहां पर क्या लिखूंगा? 163। इतना छोटा एक्सेलरेशन कर रही होगी, हर हाल में कर रही होगी। कौन? अर्थ। किसकी तरफ? एप्पल की तरफ। लेकिन इतना छोटा एक्सेलरेशन आपको दिखाई देगा क्या? आंसर है नहीं, आप कभी नहीं देख पाओगे। तो इस बात का मतलब यह है कि जब अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचती है तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन एप्पल का जो एक्सेलरेशन होता है वो एप्पल का जो एक्सेलरेशन होता है वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एप्पल का क्या कम है? यहां पर देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एप्पल का क्या कम है? मास, इसलिए उसका क्या ज्यादा होता है? एक्सेलरेशन। ये बात आई समझ में? अब दूसरा, तो अगर एप्पल उसको अपनी तरफ, एप्पल को अर्थ अगर अपनी तरफ खींच लेती है तो अर्थ को भी एप्पल खींचता होगा, तो आंसर हां खींचता है, लेकिन अर्थ का क्या ज्यादा है तो इसलिए उसका क्या कम होता है? एक्सेलरेशन। तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि एप्पल अर्थ को नहीं खींचता है, खींचता है, लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन इतना छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि वो कभी दिखाई नहीं देगा। तो आप चाहे मैं इस चौक को नीचे फेंकूंगा अभी, तो बताओ क्या ये अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, एक्सेलरेट कराएगा? तो आंसर है हाँ कराएगा, लेकिन इसका मास बहुत कम है तो ये तो ज्यादा एक्सेलरेशन दिखाएगा, मास कम है तो इसका तो एक्सेलरेशन ज्यादा दिखेगा, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, तो वो ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देगी। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर नहीं आ रही है, आ तो रही है लेकिन बहुत कम एक्सेलरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कम, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। ये वाली बात क्लियर है? तो
ये आपके दूसरा केस बन गया। तो ये दोनों केस समझ आ गए आपको, इसमें आपने रीजन बताओ क्या दिया कि ये दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है। क्लियर है? अच्छा इसमें बताओ, इसमें आपने क्या आंसर दिया, इसमें ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं 9.8 न्यूटन, तो एप्पल अर्थ की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है बताओ? क्योंकि उसका मास कम है, इसलिए उसके एक्सेलरेशन का आंसर ज्यादा है। बताओ अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रही है? उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है, इतना कम है, -10^-24, इसलिए वो जा तो रही है लेकिन दिखाई नहीं देगी, बहुत कम एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर है? ये हो गए दो केस। अब आ जाते हैं तीसरे केस पर। पहले तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट लाइट वेट के लिए थे, बहुत कम मास वाले, फिर हमने क्या लिया, एक हैवी और एक लाइट। अब कौन सा केस बचा, जब दोनों हैवी हों। दोनों कैसे हों? हैवी हों। तो मैं अब आपको हैवी वाला लेकर दिखाता हूं। देखिए, व्हेन टू बॉडीज आर हैवी, ये हमने बनाया, सपोज करिए हमने ले लिया ये अर्थ, ठीक है, और ये हमने दूसरा बना लिया मून, ओके। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हम, मैं यहाँ पर मीटर में लिख देता हूँ, ये होती है 3.84। कितनी होती है डिस्टेंस? 3.84 इंटू 10^8, इतना मीटर, ठीक है। ये अर्थ और मून, इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मास हमारा जो अर्थ का होता है वो होता है 6 × 10^24 kg, इतना मास होता है अर्थ का। और मून का जो मास होता है वो होता है 7.4 × 10^22 kg। अब ये भी हैवी बॉडी है, ये भी हैवी बॉडी है। अब इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, F=G, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10^-11, ठीक है। फिर अर्थ का मास, अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रही है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अर्थ का मास होता है 6 × 10^24 kg, और मून का मास फिर लगाइए 7.4 × 10^22 kg, और अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3.84 × 10^8, इतना मीटर का क्या आएगा बोलो, स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का क्या चल रहा है, स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.01 × 10^20, इतना न्यूटन, यानी कि अर्थ मून पर इतना फोर्स लगाती होगी। अब ये फोर्स बड़ा है या छोटा है? बहुत बड़ा फोर्स है, लार्ज फोर्स है, तो इसीलिए इतने फोर्स से अर्थ मून पर फोर्स लगाती होगी, और इसी फोर्स से उसको अपने चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व कराती है। ये वाली बात आई समझ में? तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड केस। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ रिवॉल्व मून अराउंड इट, ठीक है, ये हमारा थर्ड केस हो गया। तो हमने तीन केस देख लिए, दो लाइट बॉडी के लिए देख लिए, उनके फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए वो किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखाती, ठीक है, बहुत कम मतलब एक्सेलरेशन होगा लेकिन वो नाक के बराबर होगा, ठीक है। फिर हमने एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी अर्थ ले ली, जिसमें से लाइट बॉडी का क्योंकि मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है ना, और अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं जाती है, उसका आंसर हमने क्या दिया कि उसका मास बहुत ज़्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। फिर दो ऑब्जेक्ट की बात करें, दोनों हैवी ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो अर्थ इस पर इतना फोर्स लगाती है मून पर, इतने फोर्स से उसे क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस बन गया।